और सीधा रुख करेंगे गोरखपुर का, जहां गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मंदिर की, और मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। इसके बाद शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी और साथ ही प्रभु राम की पूजा अर्चना की जा रही है। सीधी तस्वीरें आपको गोरखपुर से दिखा रहे हैं। तो ये गोरखनाथ मंदिर से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और आज ढोल नगाड़ों के बीच में शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। तो विजयदशमी के पावन पर्व पर शोभा यात्रा निकाली जाती है और साथ ही सीएम योगी प्रभु श्री राम का राष्ट्रतिलक भी आज करेंगे। तो तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और इस वक्त मुख्यमंत्री मंदिर में मौजूद हैं और पूरे मंदिर को सजाया गया है, भव्य रूप दिया गया है और सीएम योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना करते हुए साफ देखे जा सकते हैं। और मुख्यमंत्री कुछ ही देर बाद खुली जीप में बने रथ पर सवार होकर शोभा यात्रा की अगुवाई करेंगे और परंपरा के अनुसार विजयदशमी के दिन गुरु गोरखनाथ के पूजा अर्चना के बाद शोभा यात्रा निकाली जाती है और सीधे मानसरोवर पर ये यात्रा पहुंचती है, जिसके बाद समापन होता है। तो गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ गोरक्ष पीठ से जुड़े मानसरोवर मंदिर पर महादेव की पूजा अर्चना भी करेंगे और साथ ही इसके बाद शोभा यात्रा मानसरोवर के रामलीला मैदान पर पहुंचेगी, पर उससे पहले मुख्यमंत्री ये पूजा अर्चना संपन्न कर रहे हैं। तो आज प्रभु श्री राम, माता जानकी, लक्ष्मण और हनुमान जी की भी पूजा आरती योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो आज के दिन इस मंदिर में विशेष पूजा अर्चना होती है, शोभा यात्रा का भी एक अलग ही महत्व है और मुख्यमंत्री के साथ तमाम साधु संत भी मौजूद हैं। और इससे पहले कल मुख्यमंत्री ने कन्याओं को भोजन कराया था, तो जो महानवमी से इसकी शुरुआत होती है वो दशहरा की शोभा यात्रा पे खत्म होती है। इससे पहले भी 9 दिन तक विशेष पूजा अर्चना की गई। तो जो नवरात्रि का पर्व है वो काफी ज्यादा धूमधाम से यहाँ पर मनाया जाता रहा है और मुख्यमंत्री यहाँ से जुड़े हुए हैं, तो इस दिन वो खुद यहाँ पर पहुंचकर पूजा अर्चना करते हैं और परंपरा के अनुसार पूरे विधि विधान के साथ में ये पूजा अर्चना संपन्न होती है। और सामने तस्वीरों में आप अखंड ज्योति देख सकते हैं जो कि काफी समय से यहाँ पर जल रही है। तो भगवान शिव, माता जानकी और साथ ही हनुमान जी की आज पूजा अर्चना सीएम करेंगे। उससे पहले ये गोरखनाथ मंदिर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो गोरखपुर का ये एक बड़ा मंदिर है जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं। हालांकि आज जो सीएम का यहां पर
पहुंचने का कार्यक्रम था, विशेष पूजा अर्चना थी, तो जो बाकी लोग हैं उन पर रोक लगा दी गई। सुरक्षा व्यवस्था का भी खास ध्यान यहां पर रखा जा रहा है। और कुछ ही देर बाद रथ पर सवार होकर शोभा यात्रा का आगाज करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो हर साल विजयदशमी के पावन पर्व पर सीएम यहां पहुंचते हैं, और इसके अलावा भी जो धार्मिक पर्व होते हैं उस दौरान सीएम यहां पर पहुंचकर पूजा अर्चना करते हैं, भगवान गोरक्षनाथ का आशीर्वाद लेते हैं। और मंगलवार को ही सीएम यहां पर पहुंच चुके थे, उसके बाद लगातार 3 दिनों से यहां पर धार्मिक पर्व मनाए जा रहे हैं। इससे पहले कल महानवमी मनाई गई, उससे पहले अष्टमी के दिन भी विशेष पूजा अर्चना यहां पर हुई थी। तो सूबे के मुख्यमंत्री गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ विजयदशमी के मौके पर यहां पर पहुंचे हुए हैं, और नाथ संप्रदाय के मुखिया होने की वजह से साधु संतों से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के साथ ही वो ये विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो काफी सालों से ये परंपरा चली आ रही है, और महंत इस परंपरा को कई सालों से निभाते आ रहे हैं, और जिसका वर्तमान में प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ दायित्व संभाल रहे हैं, और इसके तहत वे संतों की आज लगने वाली अदालत में भी उनके बीच का विवाद सुलझाने के लिए काम करेंगे। तो ये पात्र पूजा का अनुष्ठान होता है जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जा रहा है। तो गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ नाथपंथ के शीर्ष संस्था अखिल भारतवर्षीय अवधूत भेष 12 पंथ योगी महासभा के अध्यक्ष भी हैं, और इसी पद पर वह दंडाधिकारी की भूमिका में भी कई बार नजर आते हैं, और इसी के चलते वे विवाद भी सुलझाते हैं। तो आज कई सारे कार्यक्रम हैं मुख्यमंत्री के, कई सारे साधु संत भी यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि अगर बीते वर्षों की बात करें तो ये पूजा अर्चना काफ़ी भव्य तरीके से की जाती है, बड़ी संख्या में साधु संत और लोग भी इसमें शामिल होते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से काफ़ी हद तक रोक लगा दी गई है। और जो साधु संत इस पूजा अर्चना में शामिल हुए हैं उन्हें भी आप देख सकते हैं कि सभी ने मास्क लगाए हुए हैं, और एक सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इस पूरे पूजा अर्चना को सम्पन्न किया जा रहा है। तो पारंपरिक वेशभूषा में सीएम योगी नजर आ रहे हैं, और भगवान गोरक्षनाथ की पूजा अर्चना का आज एक विशेष महत्व होता है, जिसका दायित्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निभा रहे हैं। एक लंबे समय में ये पूरी पूजा संपन्न होती है, और उसके बाद शाम के समय यहाँ पर शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसका भी एक विशेष महत्व होता है।
कई वर्षों से चली आ रही इस परंपरा को गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में स्थापित महंत निभाते आए हैं, जिसका वर्तमान दायित्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निभा रहे हैं और इसी के तहत ही ये पूजा अर्चना मुख्यमंत्री कर रहे हैं। और इसके बाद एक विशेष अदालत भी लगती है जिसमें भी वह शामिल होंगे और शाम के वक्त अनुष्ठान भी होंगे। पूजा पात्र अनुष्ठान होता है जिसका एक खासा महत्व होता है और साथ ही शाम को एक शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी और रात के वक्त एक बार फिर से दोबारा से पूजा अर्चना होगी। तो सुरक्षा व्यवस्था काफी ज्यादा पुख्ता यहां पर कर ली गई है और तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी हैं। तो गुरु गोरक्षनाथ का आशीर्वाद लेने के लिए इससे पहले भी कई बार देखा गया है मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचते हैं। और शाम को रामलीला मैदान में शोभा यात्रा पहुंचेगी, उसमें भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे और जहां श्री राम का तिलक करेंगे और उसके साथ ही प्रभु श्री राम, माता जानकी, लक्ष्मण और साथ ही हनुमान जी की आरती भी उतारेंगे। और रामलीला मैदान में अपने संबोधन से गोरक्ष पीठाधीश्वर श्रद्धालु से आशीर्वाद भी लेंगे। और आज तिलकोत्सव कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है और इस आयोजन में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे और भजन कीर्तन आज होगा। तो आज पूरा दिन धार्मिक आयोजन गोरखपुर में रहने वाले हैं। तो धार्मिक नगरी है गोरखपुर और आज विजयदशमी का पर्व काफी धूमधाम से यहाँ पर मनाया जाता है। कई सारे मंदिर हैं यहाँ पर कई घंटों तक ये पूजा अर्चना यहाँ की जाती है और एक लंबे वक्त में ये संपन्न होती है। तो विजयदशमी के मौके पर सीएम की ये विशेष पूजा अर्चना की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं गोरखपुर से।
नवरात्रि शुरू होते ही इस मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की शुरुआत हो जाती है। 9 दिन तक यहाँ पर विशेष पूजा अर्चना होती है, जिसके बाद नवमी पर कन्या भोजन होता है, जो कि कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कन्याओं को भोजन कराया था, चुनरी उड़ाकर उनसे आशीर्वाद लिया था, जिसके बाद आज विजयदशमी है और इस मौके पर मुख्यमंत्री पूजा अर्चना कर रहे हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।